very good morning to all of you. so students, today we will study the Green theorem. so in this lecture, we will also study the green's theorem in plane and vector form of green's theorem in plane. so this theorem states that if u and v are two continuously differentiable scalar point functions within a region bounded by a closed surface s, such that del u and del v are continuously differentiable, then, integral uh, u into del square v minus v into del square u dv, this is equal to integral u into del v minus v into del u into unit vector n dot ds. व द प्रूफ सो प्रूफ में हमें क्या करेंगे हम इसमें गॉस डाइवर्जेंस थेरम का यूज़ करेंगे सो आई विल राइट बाई गॉस थेरम वी हैव सो हमारे पास गॉस थेरम से क्या है हम उसकी डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट दैट इज़ बाई गॉस थेरम वी हैव इंटीगल दैट इज़ सरफेस इंटिगल Of f vector uh, into a unit vector n ds, this is equal to the volume integral of divergence of f vector into. डी वी सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले एफ़ वेक्टर लेंगे सो so, मैं लिखती हूँ यहाँ पे लेट एफ इज़ इक्वल टू यू इंटू डेल्टा वी सो अगर एफ़ ये है तो अब हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा दिस विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ यू इंटू डेल्टा वी सो यहाँ से उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी इट विल बी डेल यू इंटू डेल वी देन प्लस यू इंटू डेल इंटू डेल वी सो ये हमारे पास आ गया यहाँ से इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी सो आई विल राइट हेयर सो दिस इज इक्वल टू सो दिस टर्म इज इक्वल टू डेल यू इंटू डेल वी प्लस यू इंटू डेल स्केर वी सो अब हम क्या करेंगे हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सो नाउ इंटीगल यू इंटू डेल वी डॉट यूनिट वैक्टर एन डी एस दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल आ जाएगा सो so, बेसिकली जो ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं so, सो जो इस इक्वेशन फर्स्ट में जो है आर एच एस पार्ट है इसका जो एक पार्ट है दैट इज ये वाली टर्म दैट इज यू इंटू दैट इज यू इंटू डेल वी इंटू यूनिट वेक्टर एन डी एस और अदर पार्ट विल बी माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन वी इंटू डेल यू इंटू यूनिट वैक्टर एन इंटू डी एस अब हम इन्हीं की वैल्यूज बेसिकली निकालेंगे इस वाले इंटीगल की दैट इज द आर एच एस ऑफ दिस इक्वेशन वन सो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे हमारे पास दिस टर्म इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास डेल ये आ गया हमारे पास हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू सो बेसिकली दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म नेम इट एज इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सो इक्वेशन नंबर सेकंड का इधर यूज हो रहा है सो so डेल u डेल v दिस विल बी dv Then plus uh, it will be integration u into del square v into dv. सो so, सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास एक टर्म आ गई सिमिलरली जो हमारे पास अदर टर्म है दैट इज़ वी इंटू डेल यू इंटू यूनिट वैक्टर एन इंटू डी एस है वो किसके इक्वल आ जाएगा सेम वो भी ऐसे ही आ जाएगा डेल यू इंटू डेल वी इंटू डी वी देन इट विल बी प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी यू इन टू डेल स्क् यहाँ पर चेंज कर लेती हूँ मैं सो इट विल बी वी इंटू डेल स्क्र यू यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाएगी सो so, साथ में आ जाएगा डी वी सो नेम इटाइज इक्वेशन नंबर थर्ड सो अब हमने क्या करना हम सब्ट्रैक्ट subtract करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड सो so, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी सो आई विल राइट हियर सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल यू डेल वी माइनस वी डेल यू इंटू यूनिट वैक्टर एन डी एस दिस इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा ये ये टर्म कैंसिल हो जाएगी सिर्फ दो टर्म्स बच जाएगी दैट इज़ u Uh, uh, that is uh, u del square v minus v into del square u into dv. Or we can write integration u into del square v minus v into del square u into dv. This is equal to. Uh, integral u into del v minus v into del u into unit vector n into ds so which is the greens theorem hence solved so next is the Green's theorem in plane. So it states that if m uh, x y and uh, if mn and its partial derivatives be continuous functions over a region r bounded by the simple closed curve c in the xy plane, then close integral m dx plus n dy this is equal to the, uh, uh, the double integral uh, that is uh, into partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y.

सो so, इसके प्रूफ के लिए हमने क्या करना है हम सिंपली पहले f ले लेंगे सो वी विल राइट लेट f वेक्टर इज इक्वल टू एम आई वैक्टर प्लस एन जे वैक्टर सो नाउ अगर f हमारे पास ये है ऑल्सो हमारे पास r वेक्टर किसके इक्वल होता है एक्स आई वैक्टर प्लस वाई जे वैक्टर नाउ वी हैव टू फाइंड डी आर सो दिस इम्प्लाइज डी आर वैक्टर किसके कुल आ जाएगा इट विल बी डी एक्स इंटू यूनिट वैक्टर आई प्लस डी वाई इंटू यूनिट वैक्टर जे सो अब हमें क्या निकालना है एज पर डेफिनेशन ऑफ जो स्टेटमेंट में दिए दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एम एम की वैल्यू और इंटू दिस टर्म एंड ये हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं एम आई प्लस एन जे देन इट विल बी डी एक्स और यहां पे आ जाएगा इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर आई इंटू डी एक्स प्लस जे इंटू डी वाई सो ये हम हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि जब हम इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो यही टर्म हमारे पास आ जाएगी एम डी एक्स प्लस एनडी वाई तो मैंने इसको सिर्फ ब्रेक किया हुआ है सो so, यहां से ये टर्म किसके इक्वल है ये तो एफ के इक्वल है वेक्टर एफ के ऊपर और ये वाली टर्म किसके इक्वल है डी आर के वैक्टर के लिए तो so, हमने ये चीज आ गई यहाँ से सो so, ऑल्सो हमें पता है कि कर्ल ऑफ एफ किसके इक्वल होता है कर्ल ऑफ एफ वैक्टर किसके इक्वल होता है हम इसको डिटर्म से निकालते हैं दैट इज आई इंटू जे इंटू के एंड इट इज डेल बाय डेल एक्स इट इज डेल बाय डेल वाई एंड इट इज डेल बाय डेल जेड और यहाँ पे आ जाएगा एम एन एंड जीरो ओके सो यहाँ से इस डिटर्मिनेंट uh, को इवैलुएट करेंगे ये हमारे पास आएगा माइनस टाइम्स डेल एन बाय डेल जेड इंटू यूनिट वैक्टर आई देन प्लस डेल एम बाई डेल जेड into unit vector j then plus del n by del x minus del m by del y into unit vector k. So therefore we can write here that curl of f vector into k vector this is equal to del n by del x minus del m by del y. So therefore we will write that green's Theorem in plane in is given by is given by uh, that is double integral over R curl of F vector into K vector then uh, dr and this is equal to close integral F vector into dr over well, uh, close integral over C into F vector into dr so hence the theorem so where dr is equal to dx dy i will write here uh, where uh, just a second uh, where dr is equal to dx dy and k is the unit vector perpendicular to xy plane unit vector uh, perpendicular to xy plane xy plane सो so, ये बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है बस आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपने f वेक्टर लिया उसके बाद हमें r वेक्टर भी पता है उसका हमने क्या करना है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी साथ में हमारे पास जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू निकालनी है और वो हमारे पास इस टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है दैट इज़ एम इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस एन इंटू जे सिमिलरली यहाँ से होगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई आई वैक्टर दैट इज़ यूनिट वेक्टर आई इंटू

सो सेम वही चीज़ मैंने डायरेक्टली लिखी है सो so ये टर्म आ जाएगी सो so वही हमारी क्या आएगा ग्रीन्स थेरम सो so, अब हम जो ग्रीन्स थेरम इन प्लेन है उसका रहे करें सो so, ये ऑलरेडी उसकी फिगर मैंने बना दी है सो so, यहाँ पे है हमारे पास ये सरफेस है ये क्लोज्ड कर्व है और हमने क्या किया इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक पार्ट जो है इसमें जो एक कर्व है वो है ए दैट इज़ सी वन और वह है ए बी सी एंड अदर जो कर्व होगी दैट विल बी सी डी ए सो आई विल राइट हीट द कर्व लेट द कर्व सी बी डिवाइडिड हमने क्या किया इस कर्व सी को हमने टू कर्व्ज में uh, डिवाइड कर दिया डिवाइडेड इंटू टू कर्वस दो कर्व्स हैं कौन कौन से सी वन ए बी सी एंड अदर वन इज सी टू दैट इज सी डी ए सो ये हमारे पास आ गया सी डी ए और ये हमारे पास अदर uh, टर्म आ गई सो so, हम लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व पहली कर्व लेके चलेंगे ऑफ द कर्व सी वन ए बी सी बी इसकी इस कर्व की जो इक्वेशन है उसको हमने डिनोट कर दिया है y इज इक्वल टू वाई वन एक्स एंड द इक्वेशन ऑफ़ द सेकेंड कर्व जो सेकेंड कर्व की इक्वेशन है उसको हमने डिनोट कर दिया है ऑफ द सेकेंड ऑफ सेकेंड कर्व कर्व दैट इज C2 इट वॉज सी डी ए बी is equal to y वाई x so let us see the value अब हमें find निकालना है value निकालनी है so means हमने किस चीज़ की value निकालनी है सबसे पहले so basically जो हमारे पास equation first थी वो हमारे पास थी क्या मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ सो so, uh, closed integral over c m सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज इक्वल टू द डबल इंटीगल ओवर आर देन इट इज डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई सो ये हमें इसकी वैल्यू बेसिकली हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं सो आई कैन राइट इट एज डबल इंटीगल ओवर आर देन इट इज डेल एन बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई

ठीक है सो so, यहाँ से हमें पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सो so, हमारे पास दो सरफेसेस थे सो so हमने अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है सो so यहाँ से इसके जो लिमिट्स बन जाएंगे फर्स्ट लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स इज वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा ए से लेके कर एक्स इज ईक्ल टू सी तक और दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास बन जाएगी वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स से लेके कर वाई इज इक्वल टू वाई टू एक्स से और साथ में आ जाएगा डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी वाई देन इट विल बी डी एक्स ओके सो मैंने यहां पे इंटीग्रल को चेंज, इसके चेंज कर दिया मींस वाई uh, वाले इंटीग्रल को इनर ले लिया और एक्स वाले इंटीग्रल को आउटसाइड ले लिया सो so ये हमारे पास इसकी लाइन दी ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई थी ये टर्म्स आ जाएंगी और दूसरे हमारे पास कहां से कहाँ तक हो जाएगी ए से लेके सी तक जाएगा सो so, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी देन इट विल बी ये हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ एम एक्स वाई इन हमारे पास लिमिट्स कहाँ से आएगी वाई वन एक्स से लेके हमें कहाँ तक जाना है वाई टू एक्स तक साथ में आ जाएगा डी एक्स सो यहाँ से इसको फर्दर लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए टू सी देन इट इज़ इट इज एम इंटू ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई की जगह पे हो जाएगा वाई टू देन माइनस एम इंटू ये बन जाएगा एक्स कॉमा वाई की जगह पे हो जाएगा वाई वन सो so, ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दिए साथ में आ जाएगा डी एक्स सो दिस इज इक्वल टू अब जो अब मैं यहाँ से ए टू सी है अगर मैं क्या करूँ इस ए को अपर लिमिट में चेंज कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास साइन में क्या जाएगा? आ जाएगा सब्ट्रैक्टिव सब्ट्रैक्शन आ जाएगा सो आई विल राइट सी टू ए देन इट इज एम इन टू एक्स कॉमा वाई टू साथ में आ जाएगा डी एक्स देन अगेन ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस ये हो जाएगा ए टू सी Uh, then a to c it becomes uh, m uh, a to c then it is m into x comma वाई वन इन टू डी एक्स सो ये हमारे पास terms आ गई so यहाँ पे अगर हम uh, माइनस को total में uh, common ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी equation सो टेकिंग माइनस कॉमन तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन देन इट विल बिकम Uh, C to A then it is m into x comma y2 into dx then it is plus A to C then m into x comma y1 into dx so जब limits हमारी C से A तक है तो means ये कौन सा part हो गया curve का यहाँ से जब C से A तक है तो मीन्स ये कौन सा पार्ट हो गया कर्व का कौन सा है पार्ट दिस इज बेसिकली यहां पे आ जाएगा ये अपर पार्ट दैट इज ये जो टर्म आ जाएगी इट विल बी C2 टू सिमिलरली जो A से लेके C तक का पार्ट हो जाएगा वो किसके इक्वल किसकेगा सी वन सो दिस विल बी C2 टू पार्ट एंड दिस विल बी दी वन सो हमने लिमिट्स को देख के किया अब हमने इस पर अप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली सो आई विल राइट हियर मैनस टाइम्स Integ uh, integral this will be c uh, curve c2 then m into x comma y2 uh, the, or i will write simple y uh, now y into dx then plus it will be curve c1 and m into x इंटू वाई इंटू डी एक्स सो यहां से ये कर्व किसके इक्वल हो जाएगा मैनस टाइम्स इंटेगल दैट इज क्लोज इंटेगल ओर सी क्योंकि कर्व पूरी जो सी थी वो किसके इक्वल थी दो पार्ट्स में ब्रेक किया था दैट वॉज जो ये कर्व सी था उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था सी वन प्लस सी टू so, सो वही चीज आ जाएगी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम इंटू एक्स वाई इंटू डी एक्स सो यहां से हमारे पास ये टर्म आ गई सो दियर फोर वी कैन राइट हियर दैट डबल इंटेगल ओवर आर दैट इज डेल एम बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई दिसवल टू द्लोज इंटीगलर सी दी एक्समिलरली अगर हमारे पास ये टर्म ये चीज आ गई है यहां से सो वी कैन राइट और वी कैन राइट क्लोज इंटीगल एम एक्स और सिंपली एबिल m into dx this is equal to double integral over r then subtraction sign and with del m by del x into dx dy. So, here we have a क्वांटिटी का वैल्यू आ गई है अब हमें अदर क्वांटिटी के निकालनी है तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं सो सिमिलरली वी कैन शो दैट दैट क्लोज इंटेगल ओवर सी इनटू एन डी एक्स एन डी वाई एन डी वाई दिस शुड बी इक्वल टू द डबल इंटेगल ऑफ डेल एन बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल वाई

Integral over c, it will become m dx plus n dy. This is equal to the double integral over r del n by del x minus times del m by del y into dx dy. So, which is the Green's theorem, hence solved. So, now I will solve one example on this theorem. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट यूज ग्रींस थेरम टू इवेलवेट इंटीगल ओवर सी एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वाई सी इज द स्क्र फाउंड बाय द लाइन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन सो सबसे पहले हमने क्या देखना है जो ये हमारे पास इंटीगल दिया है वो किस फॉर्म में है सो so, ये इंटीगल बेसिकली हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं So here uh, we will write we know that uh, by Green's theorem we have integral close integral over C m dx plus n dy uh, this is equal to uh, that double integral of del uh, yajaika yeah, del n by del x minus इट विल भी डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई सो अब हमें हम यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो so, यहाँ से हमें डायरेक्टली आ जाएगा uh, यहाँ से हम लिख सकते हैं सो दिस टर्म विल भी अब हमारे पास जो लिमिट्स है वो क्या हो जाएंगी वन से माइनस uh, वन से वन तक एंड देन अदर विल भी माइनस वन टू वन सो माइनस वन टू वन Then other in again minus one to one then it is del by del x of n so यहाँ पे हमारे पास जो term है ये हमारे पास जो integral था यहाँ पे हम लिख सकते हैं m is basically uh, x square प्लस एक्स वाई एंड एन इज बेसिकली एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर सो डेल बाई डेल ऑफ एन एन हो गया आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर देन माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ एम एम टर्म आ गई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई सो यह आ जाएगा डी एक्स एंड डी वाई सो so, यहाँ से हम पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सो माइनस वन टू वन देन इंटीग्रल माइनस वन टू वन सो इट विल बिकम डल एक्स के साथ करना है तो ये हो जाएगा टू एक्स और साथ में हो जाएगा माइनस वाई के साथ हो जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा साथ में डी एक्स देन डी वाई अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है सो so यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे वन टू दिस देन इट विल बिकम सो uh, so, यहाँ से इसको फर्दर में ऐसे लिख लेती हूँ माइनस वन टू वन देन इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन टू एक्स में से वन एक एक्स कैंसिल हो गया दैट इज एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई सो ये अब हमारे पास हो जाएगा uh, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ uh, दिस को इस इंटीग्रल को दैट uh, एक्स uh, वाला इंटीग्रल में अंदर ले लेती हूँ और पहले मैं वाई के साथ उसको uh, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेती हूँ सो so, ये हो जाएगा माइनस वन टू वन सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन टू वन एक्स डी एक्स साथ में हो जाएगा मेरे पास ये जो वाई का हो जाएगा वाई और लिमिट्स लगेगी इसकी माइनस वन टू वन सो ये बन जाएगा हमारे पास वन माइनस वन इट इज़ टू सो दिस विल बिकम माइनस वन टू वन देन टू टाइम्स एक्स इन टू डी एक्स और वी कैन से दैट टू टाइम्स एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन सो ये हमारे पास अब आ जाएगा एक्स स्क्र टू टाइम्स एक्स स्क्र बाई टू देन लिमिट्स इसकी लग जाएंगी लिमिट्स uh, कितनी है इसकी माइनस वन से लेके वन तक तो so, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स uh, स्क्र uh, की वैल्यू एंड दिन साथ में लिमिट्स आ जाएगी माइनस वन टू वन सो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज द आंसर सो आप इस पे और एग्जाम्पल सॉल्व कर दी कीजिए और सो so दैट क्या हो जाएगा आपको जो ग्रीन्स थेरम है इनपे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए थैंक यू